सेट डिफाइन किए गए, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, यू ए बी सी सब दिया हुआ है। एक डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन तो मालूम है, यूनियन होता है तो मालूम है, बी माइनस सी मालूम, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसके अलावा है पर यूनियन यूनिवर्सल सेट में। अब अगर मैं मुझे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें नजर डाल, ए इंटरसेक्शन बी, ए और सी में क्या का कॉमन है, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो मैं लिखूंगा थ्री फोर, ओके, ए में ये दो कॉमन हो गए इंटरसेक्शन सी। इसका अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्प्लीमेंट, का मतलब हुआ कि थ्री और फोर के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो जो मेंबर है, कौन कौन है वो, वन टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके, माइनस करना है, बाद में करते हैं। बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब क्या है, जो बी का पार्ट है पर सी का नहीं है, बी का पार्ट है टू फोर सिक्स एट, तो फोर और सिक्स सी में भी है, उसको हटा दो तो बचा टू और एट, ये हो गया बी माइनस सी, ठीक है ना। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, इन दोनों के अलावा जो बच गया यूनिवर्सल सेट में, टू और एट को हटा दो तो बचा क्या क्या, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और नाइन, मैंने टू और एट को हटा दिया। माइनस करने का मतलब क्या है, ये जो ब्लू वाले थे वो में से ये हटा दो, तो जो काम के नहीं है वो सारे हटा दो, ठीक है। तो कौन कौन हट गए, देखो एक तो वन हट गया, ये फाइव हट गया, सिक्स हट गया, सेवन हट गया, नाइन हट गया। अब हमारे काम का ब्लू वाला है, एक तो ये टू बचा और एक ये एट बचा, तो कुल कितने एलिमेंट्स हैं, दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है, इमीडिएटली मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन। कुछ लोग क्या गलती करेंगे इस क्वेश्चन को करते समय, वो पहले पूरा लिखेंगे पेपर पे, पेपर पे कुछ नहीं लिखना, अगर आपको लिखना भी पड़े तो फटाफट क्या लिखोगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी तो आपने मेंटली किया, और डैश करते या कॉम्प्लीमेंट करते तुरंत वो वैल्यू लिखोगे, वन टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, बस इतना सा लिखूंगा, फिर माइनस करना है। हाँ जी, क्या है, बी माइनस सी, सो व्हाट इज बी माइनस सी, मेरे पास बचा टू एंड एट, फोर सिक्स तो हट गया, अब इसको हटाऊंगा तो मैं क्या बचेगा मेरे पास में, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन, और अब माइनस करना है तो ये सेवन नाइन हटा दो, राइट, सिक्स हटा दो, फाइव हटा दो, वन हटा दो, तो यहां बचेगा एक तो टू और यहां बचेगा एट, यहां से कोई लेना देना मुझे नहीं, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन, यूनिवर्सल सेट है, बेसिक हमें वेन डायग्राम यहां पर आना चाहिए। चलिए फटाफट से मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया, ए बी सी तीन सेट्स हैं, तो मैंने यहां पर तीन सर्कल्स बना दिए, तुरंत बनाऊंगा मैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, यूनिवर्सल सेट है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी अगर ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, सी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो सिर्फ सी का हो और ए का ना हो, दैट मीन्स मैं तुरंत इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या कर दूंगा, जीरो, मतलब सी का हर एक एलिमेंट ए में होगा ही होगा, तभी तो सी ए का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी फाइव, फाइव का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वैल्यू भी जीरो हो गई, इंटरसेक्शन मतलब जो बी और सी दोनों का पार्ट, राइट, एन यू इज इक्वल टू 105, 105 यहां पर हो गया, एन ए हो गए 58, एन बी हो गए 50, ए इंटरसेक्शन बी 20 है तो यहां मैं 20 लिख सकता हूं बिकॉज ये वैल्यू जीरो है, ए इंटरसेक्शन सी 32 है, अगर ये जीरो है तो ये 32 होना चाहिए, हमसे पूछा है ए यूनियन बी माइनस दिस दिस दिस, चलिए एक काम करते हैं, बी ये वैल्यू निकाल देते हैं, ये 20 है तो ये हो गई 30, ये 52 हो गया तो ये बचेगा 6, इन सब का सम 58 और ये 30 88, तो ये हमारे पास बचेगा 12 एंड 5 70, ओके। अब हमें ढूंढना है ए यूनियन बी, यानी ये 58 और 30 88 माइनस बी डैश, बी डैश का मतलब क्या हो गया, जो B के बाहर है, 6, 32 और 70, 6, 32 और 70, C dash जो C के बाहर है, यानी कि 6, 20, 30 और 17, और इसका इंटरसेक्शन जो कॉमन है, यानी एक तो 6 है और एक 17 है, तो इन दोनों का सम 23 है, तो मेरे ख्याल से यहां पर हमारा आंसर 65 आना चाहिए था, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि हमें इसमें से इसको माइनस करना है, ए गिवन है, बी गिवन है, ए इनटू बी का मतलब क्या होता है, पहले ए का एलिमेंट लिखो फिर बी का एलिमेंट लिखो कॉमा करके, जैसे 1 ये हो गया 1 1,
फिर वन के साथ, अब मैं फटाफट लिखूंगा 1 2 1 3, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, राइट, 5 2 5 3। नाउ सिस्टमेटिकली करोगे तो आप ऐसे करोगे 6 1 6 2 6 3। और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तो पहले बी के एलिमेंट लिखोगे फिर ए के एलिमेंट लिखोगे। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो इस लिस्ट में भी आए और इसके रिवर्स लिस्ट में भी आए। ये देखो ये वन है, ये वन है, अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा तो क्या होगा, 1 1 मेरे काम का है। देखो अगर यहां से मैं बनाता हूं 1 1 1 2 1 5 1 6, ठीक है, फिर हो गया आपका 2 1 2 2 2 5 2 6, और फिर क्या हो गया 3 1 3 2 3 5 3 6। अब इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन। ना मैं ये सब नहीं लिखूंगा एग्जाम में, ये सब लिखने का मतलब है मेरी अपनी एनर्जी मैंने खर्च कर दी। क्यों, अगर A इंटू B में जो 5 और 6 से शुरू हो रहा है वो मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि B में 5 और 6 से शुरू होने वाला एक भी एलिमेंट मेरे पास नहीं है। तो ये जितने भी मैंने 5 एंड 6 वाले लिखे हैं इनको लिखने की मुझे जरूरत नहीं। यहां 1 और 2 है तो वहां पर भी मेरे काम के सिर्फ वही होंगे जो 1 और 2 से शुरू होंगे, जो 3 से शुरू होंगे वो भी मेरे काम के नहीं। दूसरी बात है, यहां 5 6 है पर वहां तो 5 6 नहीं है, तो जो 5 6 आ रहे हैं वो भी मेरे किसी काम के नहीं है। ये सब मेरे काम के नहीं है, तो मैं सिर्फ वही वैल्यू देखूंगा जो दोनों में मेंबर्स कॉमन है, जैसे 1 और 2 यहां है और 1 और 2 यहां है, तो मैं सिर्फ उन्हीं पर नजर डालूंगा। तो 1 1 1 2 यहां मिला और वहां से करूंगा तो 1 1 1 2 मिल गया, ठीक है, 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2, तो यहां पर भी 2 1 और 2 2। क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सी रिप्रेजेंट करता है इनके इंटरसेक्शन को, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन कौन है, एक तो 1 है और एक 2 है, दो ही एलिमेंट हमारे पास में है। हमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। नाउ देखो 1 1 हमारे पास है, ये सी का पार्ट है, नहीं लिखा, 1 2 सी का पार्ट है तो ये तो करेक्ट है, 2 1 ये भी करेक्ट है, 2 2 ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, 2 3, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। f of 2x आपको डिफाइन किया गया है, f of 5 of fx x की वैल्यू दी हुई है, आपको x की वैल्यू पूछी गई है, x greater than 0, क्या करना चाहिए बताइए, 2x को मुझे रिप्लेस करना है x से, इसका मतलब है x को x upon 2 लिखना है। देखो 2x को मुझे रिप्लेस करना है x से, दैट मींस x को मुझे रिप्लेस करना होगा x upon 2 से, तो 5 टाइम्स जहां जहां x लिखा है वहां पर मैं x upon 2 लिख दूंगा, 2 plus x upon 2 is equal to 8। अब ये सारा काम यही करूंगा, 2 4 टाइम्स, 2 एक और ऊपर चला गया, 2 into 2 ये हो गया 4 plus x, इस 2 को हटा देता हूं, 2 2 टाइम्स, राइट, तो ऊपर यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 8 plus 2x, x is equal to minus 3/2, एंड ऑप्शन देखूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे इस क्वेश्चन का। देखिए इनवर्स फंक्शन आपको अच्छे से सीख लेना है, ध्यान से समझ लेना है इनवर्स फंक्शन में होता क्या है। नॉर्मली फंक्शन में हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि जैसे यहां से ए एक हमारा है सेट बी, यहां से यहां हम एक फंक्शन, एक रिलेशन है फंक्शन एफ ए टू बी, राइट। बेसिकली फंक्शन का रूल क्या कहता है, यहां पे हर एक एलिमेंट की यहां पर एक इमेज होनी चाहिए, That means, यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, पहला रूल, और किसी भी एलिमेंट की मल्टीपल इमेज नहीं हो सकती। हां मल्टीपल एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हो सकती है, दैट मींस एक्स की वैल्यू पुट करने पर आपको एफ एक्स की दो वैल्यू नहीं मिल सकती, अगर मिल गई तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, करेक्ट, पर दो एक्स की वैल्यू पुट करने से यू कैन गेट वन एफ एक्स की वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एफ एक्स is equal to modulus x. अब x की जगह 2 पुट करूंगा तो भी आंसर 2 आएगा, और माइनस 2 पुट करूंगा तो भी 2 आएगा, यानी x की वैल्यू 2 पुट करूं या माइनस 2 पुट करूं fx की वैल्यू हर हालत में 2 आ रही है, तो x की इमेज भी 2 और माइनस 2 की इमेज भी 2 और माइनस 2 की इमेज भी 2। तो फंक्शन का रूल बड़ा सिंपल है कि जिस यहां से यहां हमने अगर फंक्शन डिफाइन किया है तो यहां पे हर एक एलिमेंट की यहां पर एक यूनिक इमेज होनी चाहिए,
यहां कोई एलिमेंट छूट नहीं सकता, यहां छूट सकता है, या मल्टीपल एलिमेंट्स की वन इमेज हो सकती है बट वन एलिमेंट की मल्टीपल इमेज नहीं हो सकती। अब इनवर्स फंक्शन क्या कहलाता है? इनवर्स फंक्शन ये कहता है कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो यहां से यहां हो और वो यहां के हर एक एलिमेंट की यहां पर एक यूनिक इमेज हो। ये के शर्त में हो सकता है जब यहां से यहां हो और यहां से यहां हो। अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने की एक सिंपल सी अप्रोच हमेशा थंब रूल रट लीजिएगा और यही अप्रोच हमारी काम आती है। जैसे एफ एक्स आपको गिवन है, क्या लिखा है 3x-5, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपॉन 2x+1। क्या करना, सबसे पहले इसको इक्वल टू y करना, राइट? फिर आप x को इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करना, तो 3x-5 इज इक्वल टू 2xy+y। ये 2xy इधर ले आया तो x 3-2y, ये 5 उधर ले आया तो ये हो गया 5+y। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5+y अपॉन 3-2y, करेक्ट? यहां तक करने के बाद अब इनवर्स फंक्शन हम तुरंत लिख सकते हैं। कैसे? आप लिखना f इनवर्स x, और जहां जहां इस इक्वेशन में मैंने y लिखा है वहां x लिख देना, 5+x/3-2x, ये मेरा इनवर्स फंक्शन हो गया। और इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया x प्लस a, यानी कि a प्लस x अपॉन bx प्लस c, c प्लस bx। कंपेयर करो जरा वैल्यूज को, a की वैल्यू क्या हो गई है 5, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3। a माइनस बी प्लस सी, ए में से माइनस बी किया तो ये प्लस होके 10, 5 × 2 = 7 and 3 = 10, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन 4। हमें जी ओ एफ माइनस वन निकालना है, बट बेसिकली अगर यहाँ पे 3/8 की जगह मैं x लिख दूं तो ये होगा जी ओ एफ इनवर्स x। एक्चुअल में इसको हम लिखते हैं जी एफ इनवर्स x। नाउ ध्यान रखना, अगर ये इनवर्स ऊपर आ जाता, जी ओ एफ के बाहर इनवर्स आ जाता, तो इसका मतलब है पहले वो कह रहा है जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन निकालो और फिर उसका इनवर्स निकालो। ध्यान रखना यहां पर क्या हो रहा है, पहले एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा मुझे। हाउ विल आई गेट एफ इनवर्स एक्स? क्या करो तुरंत इसको, अब ये स्पीड से कैलकुलेशन, 4x+1/4 = y, और कोशिश करो कि अगर बिना लिखे कम से कम लिखे काम हो जाए, 4y-1/4, तो f इनवर्स x क्या हो गया, y की जगह x लिखा, 4x-1/4। अब मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 3/8। नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली मेंटली। 3/8 यहां पुट किया तो 4 × 2 = 3/2 - 1, ये हो गया 1/2, 1/2 एंड 4 यहां पर है तो ये हो जाएगा 1/8, तो यहां मैं लिखूंगा g 1/8। अब g का फंक्शन ये रहा, 1/8 का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट। नाउ 1/8 अगर मैं यहां पर x की जगह 1/8 लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2 क्यूब, ठीक है, और उसका क्यूब और इस पूरी का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, ये हो गया 1/2 की पावर 9। अगर मैं ऊपर एक 2 कर दूं राइट और नीचे एक 2 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, ऊपर अंडर रूट 2 तो ऐसा एज इट इज रह गया और 2 की पावर 10 का अंडर रूट लूंगा तो ये होगा 2 की पावर 5, यानी 1/32। तो ये अंडर रूट 2 ऊपर और 32 नीचे, फोर्थ ऑप्शन मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या करूं, वापस वेन डायग्राम आ गया, चलो जी फटाफट वेन डायग्राम, मैथ्स है, इंग्लिश है और कुछ भी नहीं है, तो मैंने सर्कल बनाया एक मैथ्स के लिए एक इंग्लिश के लिए, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ये मैथ हो गया ये इंग्लिश हो गया। 55 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, यहां पर लिख देता हूं 55, 65 पास्ड इन इंग्लिश, 5 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ये रहा। अब ये 5 हो गया, आगे हम निकाल सकते हैं। नाउ n बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, ये और ये मिलके इसको हमने n नाम दे दिया है, क्योंकि देखो ये सिर्फ मैथ्स में पास हुए, ये सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, तो एग्जैक्टली वन मतलब ये दोनों। एंड m बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट,
फेल्ड इन एटलीस्ट वन का मतलब या तो एक में फेल हुए या दो में फेल हुए। ओके अब अगेन अगर आप देखोगे ये वो लोग हैं, अगर एक में पास हुए हैं तो एक में फेल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो एक में पास हुए तो एक में फेल हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो दोनों में ही फेल हुए। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में पूछा गया है इन तीनों में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5, दैट इज ऑप्शन नंबर। बेसिक रूल याद है ना सबको अरिथमेटिक ऑपरेशन का, ये कहलाता है बोर्ड मास। एक वन कुलम और होता है वी, ये एक छोटी सी बार होती है, बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले पैरेंथेसिस फिर करली और फिर स्क्वायर, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पर पहले मल्टीप्लाई कर दो, डी इज डिविजन एम मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं, कोई भी साइन सिर्फ नियर बाई दो मेंबर पे काम करता है, जैसे यहां पूरी कैलकुलेशन में ये है। अब मैं क्या करता हूं, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, ये वाली वैल्यू मैं लिखूंगा 25 एंड 2, 27 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 32 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 8 एंड 7 15 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 3 ऑफ 3 अपॉन 16। सबसे पहले काम ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तुरंत 3 से 3 कैंसिल करो, 4 4 टाइम्स, डिवीजन में 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब मैं डिवीजन कर सकता हूं, राइट। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने यहां से हटा दी, ये मेरे पास यहां सिर्फ 2 बचेगा, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं, ये हो गया 9 अपॉन 2, चलिए नीचे 9 अपॉन 2, यहां पर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा 27 अपॉन 4। अच्छा अब क्या करूं, 16 इंटू 9 144, 16 इंटू 9 ये ऊपर हो गया 144 अपॉन 32, दोनों को ऐड करूंगा तो 149 अपॉन 32, ठीक है ये हो गया 149 अपॉन 32, माइनस करना है 4 8 टाइम्स 27 इंटू 8 20 इंटू 8 20 इंटू 8 160, 8 इंटू 7 56, 67 अपॉन 32 सेकेंड ऑप्शन। ध्यान से देखना, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया 1/4 ऑफ इटसेल्फ एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीज ऑफ 1/3 ऑफ इटसेल्फ, देन द फ्रैक्शन सो ऑब्टेंड इज 21 अपॉन 64, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक, एक काम किया, ओरिजिनल फ्रैक्शन ले लिया मैंने 4x अपॉन 3y, ऐसा क्यों किया, देखो नीचे ये 4 है यहां 3 है, तो मैंने ऐसा नंबर लिया जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया बाय 1/4, इसका 1/4 होता है x, तो ये हो गया 5x, डिक्रीज करना है तो ये हो गया 2y, और ये वैल्यू हो गई है 21 अपॉन 60, 2 को मैं ऊपर ले जाऊं 5 को नीचे ले आऊं, चलिए सॉल्व भी मैं बाद में करूंगा, तो x अपॉन y की जगह ये लिख दूं तो ये हो गया 4 अपॉन 3, तो एक काम और करूं मैं यहां पर 4 ऊपर और 3 नीचे कर दूं, मेरा डिजायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। अब खाली कैंसिल करना है मुझे, 4 into 2 8 8 टाइम्स 3 7 टाइम्स, तो ये हो गया 7 अपॉन 40, हमें इन दोनों का क्या पूछा गया, डिफरेंस 33 इज द आंसर। क्या करना चाहिए, ए बी सी तीन फ्रैक्शन है, ए सबसे छोटा है, बी बीच में है, सी सबसे बड़ा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द मिडिल फ्रैक्शन, यानी मैंने ए को बी से डिवाइड किया, द रिजल्ट इज 15 अपॉन 16, डिवाइड करने पर रिजल्ट आया 15 अपॉन 16 व्हिच एक्सीड्स द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय 3 बाय 16, ये वैल्यू लार्जेस्ट फ्रैक्शन से 3 बाई 16 ज्यादा है, तो कैन आई से मेरा लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 15 माइनस 3 12 बाई 16, ठीक है दैट इज व्हाट 3 अपॉन 4, अगर जरूरत पड़े तो मैं 3 अपॉन 4 लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी 49 अपॉन 24 है, ए प्लस बी प्लस सी ये है 49 अपॉन 24, हमें डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन C and D. Now, अगर मैं यहां पर इसको 15x और इसको 16x मान लूं, तो A हो गया 15x और ये हो गया 16x, तो ये हो गया 31x. C को उधर ले जाएं. ये 3 upon 4 है, इसको मैं 24 कर दूं और 3 6 times 18 कर दूं. मैंने दोनों को 6 6 से मल्टीप्लाई किया, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. ये हो जाएगा 31 upon 24. 31 से 31 कैंसिल.
एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन 20। तो बी क्या होगा 16x, तो बी हो जाएगा 16 अपॉन 24। और सी हमने क्या लिखा है, ये रहा 18 अपॉन 24, और इन दोनों का डिफरेंस 2 अपॉन 24, दैट इज 1 अपॉन 12। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।